द्वारा आज शिक्षक संघ सियाराम के चुनाव हुए हैं, जिसमें महिला अध्यक्ष पद के लिए मैं सरोज मीणा मुझे चुना गया है और मैं इस पद पर पूरे लगन लगाकर काम करूंगी, जिससे कि हमारे शिक्षक साथियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सर, आज उपसभा जयपुर बोर्ड के चुनाव है, मैं आनंद सिंह फागना संयोजक चुनाव का, और आज जो है उपशाखा का चुनाव निर्विरोध यहाँ संपन्न किया गया है। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए उपशाखाओं के चुनाव जो है निर्विरोध या चुनाव प्रक्रिया से संपन्न कराए जाते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि ये जो कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मिलकर जो महासमिति के सदस्य हैं, वो इस तरह के सहयोग करेंगे। बहुत सारे शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए हमारे हर स्तर पर कार्यकर्ता तैयार हैं। जैसे पदोन्नतियाँ हैं, शिक्षकों की विभिन्न मांगे हैं, उनको लेकर जो है हम संघर्ष करते हैं, और आने वाले समय में जब भी प्रदेश का या जिले का आह्वान होगा, ये जो कार्यकारिणी है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। नवनिर्मित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जिला जयपुर पूर्व उपशाखा को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा जितने भी पदाधिकारी बने हैं वो संगठन की नीति रीति को समझकर शिक्षकों की जितनी भी वंचित मांगे हैं उनको उठाने के लिए पुरजोर अपने प्रयास करेंगे, और संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। अभी 25 और 26 अक्टूबर को जिला सम्मेलन होने जा रहा है, जब पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में जिला सम्मेलन आयोजित होंगे, तो जयपुर में भी ये 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है। इसमें पूरे जिले के हजारों शिक्षक भाग लेंगे, और उसमें संगठन की आगे जो की नीति और रीति को तय किया जाएगा। बहुत सी जो वंचित मांगे हैं, जो मेरे साथी आनंद सिंह ने भी बता दिया है उनके बारे में, उन सभी मांगों को लेकर नीति बनाई जाएगी, और फिर सरकार के समक्ष उन बिंदुओं को पेश कर, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार उन सभी मांगों का अतिशीघ्र और अपना पॉजिटिव पक्ष रखकर उनका निस्तारण करें।